Hi everyone, today I am going to share with you some best and beautiful teachings of Mahatma Buddha. According to Gautam Buddha, without freedom, man can't know his ultimate mystery. परंपराओं रीतियों की भारी भरकम बेड़ियों को पहनकर आसमां की ऊंचाई नहीं छुई जा सकती. Every sect is chaining people, forbidding them to be in their original being, rather giving them personalities and masks. इससे अधिक कुछ भी नहीं. तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहन लेने से भीतर तो कुछ न बदलेगा. बुद्धा इन फैक्ट नेवर एवर इन फेवर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एजुकेशन. ही वॉन्ट्स यू सिंपली टू बी योर्स. वॉट एवर इट इज, जो तुम होने को पैदा हुए हो बस तुम वह हो जाओ. दिस इज योर ट्रू रिलीजन, टू बी योर सेल्फ. लाइक अदर सेक्ट्स, बुद्धा डज नॉट एडवोकेट any kind of religious practices. He only prescribed to sit silently. You need not to do something. Puja nahi, prarthana nahi, nor any recitation of mantras. He opines, you can find your eternity, your cosmic being, only if you can sit silently. Aimless, without any desire, just enjoying the silent space in which thousands of lotus blossom. किंतु विडम्बना यह है कि मौन बिना कुछ किए शांत हम अपने साथ ही पल भर नहीं ठहर पाते. Basically, in the silence, in the emptiness, in the quantum leap from mind to no mind, you have entered a different space, which is neither outer nor inner, but transcendental both. फिर यह सर्वश्रेष्ठ अनुभव होगा. यह शून्यता या कुछ भी न होना ही सब होना है, जो दरअसल हम सब होना चाहते हैं, जो हमारे भीतर की पुकार है. The whole universe is divine. There is no separate creator. In the moment of enlightenment, Buddha did not find any god. The whole existence is full of light and full of consciousness. यह जागरण ही धर्म है. There is no god, but there is godliness. वह जो सबके भीतर एक प्रकाश पुंज है, छिपा हुआ दिव्य आलोक है, बस वही परमात्मा है. सेम एज द विवेकानंद सेज, द किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू. बाहर कहीं उसे पाया नहीं जा सकता, वह तो भीतर बसा हुआ है. लाइक गुरु नानक, बुद्धास एम्फसिस ऑन कंपैशन इज जस्ट फेनोमिनल. टू बी एनलाइटन्ड डज नॉट मीन यू विल बिकम मास्टर. Becoming a master means you have tremendous compassion, daya aur karuna se bhare hue. Then sharing will be your bliss. You want to help others. Buddha says, when a deep joy bubbling inside you, don't hold on to it, rather share it with the whole world. Jisne daya karuna bhav ko na jana, वह बांटने का आनंद भी न समझ सकेगा. अनुभव उधार पर मिलते नहीं. वन अनदर फेमस सेइंग ऑफ महात्मा बुद्ध इज चर्वते चर्वते, कीप मूविंग कीप गोइंग. ही मीन्स टू से स्पीड इज लाइफ, गति ही जीवन है. इफ यू कीप वॉकिंग यू विल डेफिनेटली फाइंड गॉड. जैसे नदी पहुंच जाती है सागर में, कितने पर्वत पहाड़ आए रास्ते में. Her unstoppable speed brings her towards her destination. इस श्रद्धा का नाम ही आस्तिकता है. With utmost devotion and speed,
डेस्टिनेशन बिकम्स मैंडेटरी। नदी की श्रद्धा और गति देख सागर को सामने प्रत्यक्ष रूप में हाजिर होना ही पड़ेगा। लाइकवाइज विथ ट्रू डिवोशन डोर्स ऑफ हेवनली अबोड आल्सो बिकम ओपन फॉर द डिवोटी हु कीप्स ऑन वॉकिंग। लास्ट एंड द गोल्डन मैसेज ऑफ बुद्धा वाज अप दीपो भव, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ because there is no other light that can guide you. Udhar ki roshni se kaam na chalega. Don't live on borrowed concepts. Satya ki khoj swam hi karni padegi because everyone is unique aur satya bhi sabka apna apna hai. With a small light of your own you can go on eternal pilgrimage. जैसे कार की छोटी सी हेडलाइट के सहारे हम मीलों दूर अंधेरों में भी लंबा सफर तय कर जाते। डोंट सर्च फॉर एनी लाइट आउटसाइड, यह तो सबके भीतर विराजमान है। यू मस्ट हैव टू डिस्कवर इट बाय फॉलोइंग फुटप्रिंट्स ऑफ अदर्स। यू कांट रीच एट योर डेस्टिनेशन, नोबडी कैन लीड यू एनीवेयर। आत्मज्ञान के प्रकाश से जीवन के अंधेरों पर विजयी हुआ जा सकता। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे।